हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे नाफेड के बारे में। इसे क्या बोलते हैं? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हिंदी में से बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नाफेड। ठीक है, यह कृषि उत्पादों की विपणन की सहकारी समितियों की शीर्ष एजेंसी है। ठीक, इसकी अगर हम लोग नाफेड की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को। कब? इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी, गांधी जयंती के पावन अवसर पर। जब गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आपकी गांधी जयंती मनाई जाती है ना, उसी अवसर पर हुई थी। संसद के मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था है आपकी नाफेड। अगर हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करें तो अभी करेंट में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर बिजेंद्र सिंह। याद रखिए, जब भी आप लोग पेपर देने जाते हैं तो तब इस तरह के जो भी अध्यक्ष होते हैं, चाहे फिर WHO के हों, फिर चाहे आपके नीति आयोग हो गए, इस तरह के जो भी संस्थान होते हैं उनके वर्तमान अध्यक्षों को देखकर जाया करिए। तो अभी आपके इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर बिजेंद्र। अगर हम लोग नाफेड की संरचना की बात करें तो इसमें प्रबंधन में एक निदेशक मंडल होता है। प्रबंधन में क्या होता है? एक निदेशक मंडल। सदस्यों की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है और प्रबंध निदेशक व अन्य सदस्य भी इसमें आपके शामिल होते हैं। स्थायी समितियां, क्या स्थायी समितियां भी होती हैं इसमें? कार्यकारी समिति, जो कार्य समिति। अब हम लोग बात करते हैं नाफेड की, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के उद्देश्यों की। इसके उद्देश्यों में शामिल हैं देश भर में कृषि उत्पादों और वन संसाधनों के व्यापार को बढ़ावा देना, विभिन्न विभिन्न कृषि विपणन और प्रसंस्करण आवश्यकताओं जैसे खाद, बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण व मशीनरी, पैकिंग मशीनरी, खाद प्रसंस्करण मशीनरी, वन उत्पाद, डेयरी, ऊन और अन्य पशुओं उत्पादों की खरीद, बिक्री और आपूर्ति सुनिश्चित करना इसके उद्देश्यों में शामिल है। इसके उद्देश्यों में शामिल हैं कृषि उत्पादों व वस्तुओं के विपणन और व्यापारिक गतिविधियों के लिए विभिन्न सहकारी संस्थाओं, पार्टनर्स व सहयोगियों को प्रोत्साहन एवं उनके मध्य समन्वय स्थापित करना, भारत सरकार या फिर अन्य सरकारी एजेंसियों की योजनाओं के तहत कृषि व अन्य वस्तुओं के आयात निर्यात और अंतरराज्यीय व्यापार के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करना और इन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए देश विदेश में शाखाएं, उप कार्यालय खोलना और एजेंटों को नियुक्त करना आपकी नाफेड के उद्देश्यों में शामिल हैं। अन्य उद्देश्यों की इसके बात करें तो वेयर हाउसिंग एक्ट के तहत स्वयं के गोदामों और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण तथा इसके लिए विदेशी एजेंसियों से सहयोग प्राप्त करना, बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना और परामर्श कार्य करना, विपणन प्रसंस्करण सहकारी समितियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ये भी आपका भारतीय राष्ट्रीय कृषि कृषि सहकारी विपणन संघ का काम है। ठीक, तो ये था आपका नाफेड। आगे हम लोग बात करेंगे IPU, अंतर संसदीय संघ के बारे में।